वहाँ रहते रहते कई वर्ष बीत जाते हैं, चंद्रहास जवान हो जाता है। राजा की लड़की का नाम था विषया, वह भी जवान हो जाती है। ज्योतियों से, ब्राह्मणों से राजा ने अपनी बेटी का पत्रा खड़वाया और पूछा कि कैसा पति मिलेगा। उन्होंने सब ने कह दिया कि महाराज चंद्रहास पति हो सकता है। कि यार कमाल कर दिया, ये राजा की लड़की है, वो एक दासी पुत्र है और मारे धोरे टुकड़े खाकर गुजार कर, ये शादी हो सकती कभी? कि महाराज पत्रा तो नहीं बताओ, ज्योतिष ने लिख रखे नहीं कि ये होन नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कि जब ये ब्याह होगा ना राजन, तू यारो हुए ना गा किसी की बात के पे पत्रे में तो नहीं लिख रखी, तू तो बहुत दूर होगा। सारी दुनिया कर सुमेध, हर की घर का पायाना हेत भेद, वेद विधि से शोधन होगा, कम से कम 10 योजन होगा, मंगी राम प्रयोजन होगा सच्चे गुरु द्वारे का। तू यार कोई से वाणी में ना पावे जब होगा। राजा ने इस बात से कट के और चंद्रहास जल्हादों को सौंप दिया जाता है। जल्हादों ने दया मानकर उसको छोड़ दिया। एक पैर में 5 उंगलियां और अंगूठा था जिसको छंगा कहते हैं, वहां उस उंगली को काट के वहां से खून ले लिया और मृग की आंख निकाल कर राजा का पीछ कर देते हैं। बड़ा दुख मानकर और रास्ते में पड़ जाता हो चंद्रहास। राजा कुलंद चंदावली के रहने वाले वो रास्ते से आवे और उसने देखा, उठा लिया। कुदरती राजा कुलंद का कोई संतान नहीं थी, घर ले गया और रानी तक कहने लगे कि रानी ये परमात्मा ने तेरे गर्भ से को पुत्र दिया नहीं, एक छोरा पाया है, जब पाल लेते ये राजनिया तो बहुत खुशी की बात है। एक बार देखा इम नुआया धुआया, बढ़िया वस्त्र पहनाए, आखिर राजा का लड़का था, बहुत सुथरा लग गया। जब महल में चंद्रहास को लेके और रानी ने देखा तो बाज के छाती कर ला लिया और लाड़ लड़ाती है और क्या कहती है, ये मेरे कमर कार्जे की कोर आसरा तेरा से, राजपाट धन मार खजाना बेचे बिन दो देगा, काला सुरप नाचता आवे बाजे तार सपेले का, रे मेरे ऊठे बदन में लोरी चांद सा से, मानस अगत की खाचर बाग बावड़ी लाया करे, पूत पराया मूचू मुनु राणा भर भर लाया करे, रे सभी करे जी बोली के नमोरी जैसने तेरा से, oh।
कौन किसे कह आया करे यो दाना पानी जावे से। तेरे के साथ बेटा के रूखा के लख्या पावे से। रे यो सब ते बती चोरी बोलता मेरा से। मांगेराम के इस दुनिया में झूठी मेरा मेरी से। जितनी घर में धन माया बेटवाजी सारी तेरी से। रे ना बेटा बेटी ओरी चरे चरी शेरा से।